दोस्तों, ये आपने शेरा है जो कि आप बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दोस्तों, अगर घर में तो कोई भी इंसान बाहर जाता है ना तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। दोस्तों, किसी ना किसी को हमारे घर के अंदर रुकने पड़ता है, इसलिए हम दोस्तों इसको हटा दे रहे हैं। आप दोस्तों इसको आखिरी बार देख लीजिए, आपको इसके बाद ये देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी तो ये आराम से बैठा है और देखना जैसे ही मैं उठ के जाऊंगा ना वैसे ही चिल्लाएगा। ठीक है, अभी मैं निकलता हूं। क्या बोले? ये बोले तुम मौदा आ जाओ, लेट लूंगा बोले। मैंने ऐसे बोला ना तो भैया हम ला तो लेंगे, कल को तुम बाद में मना कर देंगे, ऐसा वैसा नहीं क्या? हाँ। या उतने दूर आने के बाद मिलेंगे नहीं, फोन नहीं उठाएंगे, नहीं वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा बोले, क्योंकि होता है ऐसा, इसलिए पहले आपने क्लियर कर दिया। तो अभी नहीं कर रहा, नहीं करता अभी। दोस्तों, जो अपने घर का शेरा है वो आज दोस्तों अपने घर से जा रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। दोस्तों, अगर घर के अंदर कोई रहता नहीं है तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, और अगर दोस्तों घर के अंदर कोई रहता भी है ना तो भी चिल्लाता है, मतलब दोस्तों उसके चक्कर में कहीं आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हमारा। उसकी भी फैमिली बन जाएंगे, फैमिली ये उसके लिए बेहतर है वाली बात, मालूम है क्या मम्मी? ये देखो यहाँ पे टाइल्स में रह रहे, उसके पैर भी थोड़ा खराब हो। चलो चेरा, चलो घर से। कल उधर लेके गया था, आज के बार निकले। चलो आ रही हूँ चेरा, चलो। चलो हाँ बाय। तो दोस्तों, फाइनली अपने घर का शेरा अपने घर से चले गया। बहुत ज्यादा दोस्तों बुरा लग रहा है मुझे। दोस्तों, अपने पास इतने सारे कबूतर है, अगर इसमें से कोई कबूतर मरता है तो मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता नहीं है, क्योंकि अपने पास में कबूतर घुसता रहे और अपने पास में शेरा सिर्फ एक ही था, और वो दोस्तों अपने घर से चले गया, तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है बस। उसको हमने दोस्तों सिर्फ 3 दिन का बच्चा लाए थे, और अभी दोस्तों 7-8 महीने का हो चुका था। और क्यों होता है दोस्तों, आपको रीजन बताया उसका मैंने, क्योंकि दोस्तों हमको घर से बाहर जाने नहीं देता, मतलब जितने भी हमारे घर के लोग थे उसको दोस्तों दिखने को चाहता था, अगर एक भी लोग दिख नहीं रहा था तो दोस्तों बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। मगर दोस्तों हमारे घर से आता अच्छा वहाँ पे रहेगा उनके झुंड के अंदर में, और जिनके पास से दोस्तों हमने लिए थे उन्हीं के पास दोस्तों हम उनको वापस कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो में देख लेना, तनूर भाई दोस्तों काफी ले जाके उसको छोड़े। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि उन लोग सिर्फ दोस्तों बच्चों को बेचते थे, बड़े को नहीं बेचते, और अपना जो शेर है वो बड़ा हो चुका है, तो दोस्तों उसको सिर्फ वो बच्चे बनाने के लिए रखेंगे। वहाँ पे दोस्तों दिन भर खुले रह सकता है, उसके जो पैर थोड़े खराब हो चुके थे वो भी ठीक हो जाएंगे, और वहाँ पे दोस्तों उसके बच्चे भी होंगे फिर, ये दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दोस्तों ऐसे जानवर है कि इनसे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, और जो भी दोस्तों घर के अंदर पालने वाली चीज़ें उनसे लगाव हो जाता है, तो जब वो चीज़ें घर से जाती है ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। चिल्ला रहा क्या अभी? नहीं चिल्ला रहा, ठीक है ना। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अपन देहात और गांव में, जहाँ पे इसके मालक लोग हैं, इसको देते हैं और देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। ये गांव का नज़ारा, ये खेती बाड़ी, जंगल, अरे हमारा शेरा। बस 2-4 दिन दोस्तों अजीब लगेगा, मतलब ये रहेगा नहीं तो, लेकिन उसके बाद में हमें भी आदत हो जाएंगी और उसको भी आदत हो जाएंगी। इसको जहाँ से लेके आए थे वापस वही छोड़ रहे हैं, कहीं और इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो हमको दिखते रहेगा, इसलिए जहाँ से लाए थे हम इसको वही दे रहे हैं ले जाके। ये भी हमने इन्हीं के पास में थे, इनका बेड़ा है आगे में। चलो चिल्ला रहा है लेकिन अभी हमको निकलना पड़ेगा जल्दी से। राहुल 80-90 की स्पीड में राहुल, देखिए दोस्तों चिल्ला रहा है, देखिए हमको क्योंकि उसको डर लग रहा है अभी, कहाँ आ गया करके, कहाँ से लाए थे वही ठिकाने पहुँचा दिए है। बुरा बहुत लग रहा है और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने में जो मेंढा है वो बहुत ज़्यादा अंक पे हो गया था, लेकिन अब उसको इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना मतलब नहीं हो रहा था। कुछ दिन उसको दिक्कत होंगी, कुछ दिन प्रॉब्लम होगी 2-4 दिन एडजस्ट करने में, लेकिन ठीक है वो जहाँ का चीज़ है वही बढ़िया है।